हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, कल हमने पढ़ा था नाद किसे कहते हैं और नाद के क्या प्रकार हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं, अनाहत नाद किसे कहते हैं, आहत नाद किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और साथ ही नाद के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि नाद स्वर है वो स्पष्ट होने चाहिए, कर्ण प्रिय होते हैं, उनकी आंदोलन संख्याएं नियमित होती हैं, और ध्वनि जो है वो सरल तथा हृदय स्पर्शी होती है, ये सभी नाद के लक्षण होते हैं। आज हम आपको बताएंगे नाद के भेद या नाद की विशेषताएं। नाद के तीन भेद या तीन विशेषताएं होती हैं। ये है नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति तथा नाद का ऊंचा नीचापन। अब इन तीनों ही गुण, या इन्हें हम भेद कह सकते हैं या हम इन्हें विशेषताएं कह सकते हैं, तीनों ही बातें एक ही हैं। अगर आपको आता है कि नाद के तीन गुण लिखिए तो भी आप यही लिखेंगे, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति, नाद का ऊंचा नीचापन। अगर आपसे कहा जाए कि नाद के भेद अथवा नाद की विशेषताएं लिखिए तो इसका भी यही मतलब है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। संगीत उपयोगी ध्वनि को जब हम धीरे से उत्पन्न करते हैं तो वो नाद का छोटापन होता है, और जब हम तेज बोलते हैं तो वो नाद का बड़ापन होता है। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। जैसे कि हम धीरे धीरे बोले तो आपको कम सुनाई दे रहा, अब हम जब जोर से बोल रहे हैं तो आपको तेज जोर से सुनाई दे रहा है। यही इसका मतलब है कि जब हम आवाज धीरे बोलते हैं, जैसे यानी कि वही स्वर हमने कम या धीमे बोला और वही स्वर हमने तेज बोला, ये इसी को नाद का छोटा या बड़ापन कहते हैं। नाद जब छोटा होता है या जब हम धीरे बोलते हैं तो वो कम दूरी तक सुनाई देता है, बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं व्यवहारिक रूप में कि जब हम किसी को आवाज देते हैं, अगर हम धीरे से आवाज देते हैं और व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है तो वो हमारी आवाज नहीं सुन पाता, तो फिर हमें बहुत तेज आवाज में बोलना पड़ता है कि जितनी दूर पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो हमारी आवाज सुन ले। तो यही नाद का छोटा और बड़ापन कहलाता है। तानपुरे के तार को जब हम धीरे से छेड़ते हैं तो तार में कंपन कम चौड़ाई का होगा, यानी वो धीरे बजेगा और कम दूर तक सुनाई देगा, इसी को नाद का छोटापन कहते हैं। इसके विपरीत जब हम उसी तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार में कंपन या आंदोलन अधिक होते हैं, उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो इसी को नाद का बड़ापन कहते हैं। छोटे और बड़े नाद में स्वर एक ही रहता है, सिर्फ हमारी वॉल्यूम की बात यहाँ पर हो रही है। आप जिस तरीके से वॉल्यूम समझते हैं ना, कि वॉल्यूम कम कर दी, ज्यादा बढ़ा दी, चीज वही सुनाई दे रही है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि जब वॉल्यूम कम है तो वही चीज हमें धीमे सुनाई पड़ रही है, उसी वॉल्यूम को जब हम बढ़ा देते हैं तो वो हमें गाना तेज तेज सुनाई देने लगता है, इसी को नाद का छोटापन या बड़ापन कहते हैं। छोटे और बड़े नाद में स्वर या गाना सेम ही रहता है,
किंतु दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि छोटा नाद थोड़ी दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम तार सा या कोई सा भी स्वर धीरे से बोलेंगे या हम आपका नाम धीरे से बोलेंगे और आप अगर पास में खड़ी हुई हैं तो आपको वो सुनाई दे जाएगा, आप हमारी तरफ उस देखेंगे। लेकिन अगर आप दूर खड़ी हैं और हम धीरे बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो फिर क्या होगा, तेज बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से स्वरों को भी जब धीरे धीरे गाएंगे, कम वॉल्यूम में गाएंगे तो वो चीज कम दूराई तक सुनाई पड़ती है, और अगर वही चीज हम तेज या बढ़ी हुई वॉल्यूम में गाते हैं तो वो हमें दूर तक सुनाई पड़ती है। या हम अगर जोर से बोलते हैं तो दूर तक सुनाई पड़ता है। यही बात प्रत्येक वाद्य के लिए भी होती है, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो तबला हो, गिटार, सितार, कोई सा भी वाद्य हो, अगर हम उसको धीरे धीरे बजा रहे हैं, उसमें आवाज कम निकल रही है, तो वो हमें कम दूर तक सुनाई देगा, तो वह होगा नाद का छोटापन। अगर उसी तेज को हम अधिक बढ़ा के गाते बजाते हैं तो वो दूर तक सुनाई देगा, तो उसको नाद का बड़ापन कहेंगे। धीरे से बजाने से कम दूरी तक और जोर से बजाने पर अधिक दूरी तक आवाज सुनाई देती है। तो ये आपका पहली विशेषता थी नाद की, कि नाद का छोटा या बड़ा होना।